बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं हम सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3। इसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 5 स्क्वायर रूट एंड 5 5 स्क्वायर रूट। दो नंबर के दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ओवर टू, क्योंकि जो दो टर्म्स देगा उन दोनों को जमा करना है, दो पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह इनके दरमियान में अर्थमेटिक मीन निकालना है 1 - x + x² 1 + x + x² मतलब ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला वो लगाएंगे, ए की जगह हम पुट कर देंगे 1 - x + x², बी की जगह 1 + x + x² पुट कर देंगे, माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, 1 + 1 2 x² में 2x। अगर दो कॉमन ले तो नीचे वाले 2 से 2 खत्म, 1 + x² आ जाएगा। ये तो थे सिंपल सवाल। अब ये सवाल ना समझने का, इफ 5 8 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। 5 और 8 जो है ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, यानी कि अगर हम इनको तरतीब दें, पहली टर्म्स ए है, ये दोनों दरमियान में है और आखिरी टर्म बी है, आर एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप गौर करें, अर्थमेटिक मीन का मतलब है पहली और तीसरी के दरमियान 5 है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड 8/2 वो कितना है? 5। पहली और तीसरी टर्म्स के दरमियान जो है वो है 5, तो ये 5 लिखेंगे। ए जमा हमारे पास 8/2, 2 जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह ये 10, 8 जाके 10 में से माइनस होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह अगर हम देखें तो आखिरी और जो है सेकेंड टर्म के दरमियान जो है वो है 8, यानी कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 + b डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये 8 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16, प्लस 5 जाके माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 11। अब ज़रा देखें, अगर पहली टर्म इनके 2 और 8 को ऐड करें 10 बनता है, 2 पे डिवाइड करें तो 5, यानी कि 2 और 8 के दरमियान जो वैल्यू है वो 5 है। इसी तरह बी की वैल्यू है 11 जमा 5 करें 16 को 2 पे डिवाइड करें 8। तो ये हमने मालूम करने थे, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है इंसर्ट द 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। ये 7 है, इसकी जगह वो 2 भी लिख सकता है, वो 3 भी लिख सकता है, वो 4 5 6 7 8 9 10 जो भी लिखना चाहे लिख सकता है। इसको हल करते हुए ज़रा ध्यान से रखना है, अर्थमेटिक मीन जो होती हैं उनको हम ए भी लिखते हैं, सिंपल है। और क्योंकि ये 7 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे a1 a2 a3 a4 a5 6 7 आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। नंबर कोई भी हो, ये पहली टर्म्स है, ये आखिरी टर्म है। बिटवीन का लफ्ज़ जिनके साथ इस्तेमाल हो रहा है, पहले वाली पहली और आखिरी वाली आखिरी टर्म, मतलब ये जो 7 टर्म्स लिखी हैं a1 से लेकर a7 तक, ये सारी की सारी 7 टर्म्स ये 4 और 8 के दरमियान में लिखी जाएंगी। पहली टर्म 4 है और आखिरी 8 है, तो इनको सबको जब अरेंज करेंगे तो हम कहेंगे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पहली टर्म जो है वो 4 है और आखिरी टर्म जिसे हम ए एंथ यानी कि 9 कहेंगे वो है 8। टोटल टर्म जो है, जो 7 जो है वो हमने मालूम करनी है, 2 जो है वो दी गई हैं, इसलिए एन की तादाद हो जाएगी 9। जितना अर्थमेटिक मीन मालूम करनी होती हैं वो और जो 2 टर्म दी जाते हैं वो जमा करने से टोटल टर्म पता लग जाती हैं। 7 मालूम करनी है, 2 दी गई हैं तो 9 हो गई। अगर 5 मालूम करनी होती, 2 दी जाती तो 7 हो जाती, तो ये तादाद होती है। nth टर्म का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन एन माइनस वन और डी। इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास ए एन की वैल्यू भी मौजूद है, ठीक है, आखिरी टर्म्स ए एन यानी कि 9। ए वन की वैल्यू जो है 4 है, एन की पता है हमें 9 है, 9 में से गया 8, डी का पता नहीं, तो ये 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और बाद में 8 जाके डिवाइड करके डी की वैल्यू। अगर तरतीब से देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये पहली टर्म्स है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पाँचवीं, ये छठी, ये सातवीं, आठवीं और ये नौवीं, जैसे मैंने 9 टर्म्स की। पहली और आखिरी का पता है, पहली और नौवीं टर्म का पता है, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं टर्म का नहीं पता। इसके लिए अगर मैं लिखूँ ये दूसरे नंबर पर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जब हम दूसरी टर्म की बात करते हैं उसमें हम 1d ऐड करते हैं, a n
ए वन प्लस एन माइनस डी। अगर ये दूसरी टर्म्स है यहाँ यहाँ पे आ जाएगा डी, तीसरी टर्म है तो वहाँ जाएगा टू डी, चौथी टर्म्स है तो तीन डी, जिस नंबर वाली टर्म्स होगी उससे एक एक कम डी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए वन यानी कि पहला अर्थमेटिक मीन जो है, जो दूसरी टर्म के तौर पर यहाँ गिना जा रहा है, ए वन प्लस डी यानी कि फोर प्लस वन ओवर टू, सिंप्लीफाई करेंगे नाइन ओवर टू बन जाएगा। ए टू यानी कि तीसरे नंबर पर टर्म्स है, पहली दूसरी और ये तीसरी, तीसरे नंबर पर ये है, यह है ए वन प्लस टू डी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जवाब आ जाएगा फाइव। ए थ्री यानी कि चौथे नंबर पे टर्म मौजूद है तो यह लिखा जाएगा थ्री डी, या आप सिंपल याद करना चाहिए, यहाँ वन डी है तो ए वन डी ऐड होगा, यहाँ ए टू है तो यहाँ टू डी है, यहाँ ए थ्री है, ये अर्थमेटिक मीन की बात करें, टर्म्स नंबर हम लोग बात नहीं करें। ए थ्री है तो थ्री डी, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट की सिंपलीफाई किया एलेवन टू। ए फोर यानी कि ए वन प्लस फोर डी, फोर प्लस फोर ओवर टू, सिंप्लीफाई किया जवाब आ जाएगा हमारे पास छः। ए फाइव ए वन प्लस फाइव डी, सिंप्लीफाई किया जवाब आ जाएगा थर्टीन ओवर टू। ए सिक्स जो है वो ए वन प्लस सिक्स डी है, वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया जवाब आ जाएगा सेवन। ए सेवन का मतलब है ए वन प्लस सेवन डी, वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया जवाब आ जाएगा फिफ्टीन ओवर टू। तो ये टर्म मालूम करनी थी हमने, हिन्स द सेवन अर्थमेटिक मीन्स आर, जो उसने कही थी वो कौन कौन सी हैं, नाइन ओवर टू, फाइव, इलेवन ओवर टू, सिक्स, थर्टीन ओवर टू, सेवन, फिफ्टीन एंड टू। ये वो रिक्वायरमेंट थी जो उसने सवाल में हमसे पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है फाइंड एन, एन मालूम करें, सो दैट ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन ओवर ए रेज टू एन माइनस वन प्लस बी रेज टू एन माइनस वन मे बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। वो कहते हैं ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, आखिर एन की वैल्यू क्या हो। हमें पता है अर्थमेटिक मीन जो ए और बी के दरमियान में होता है वो होता है ए प्लस बी ओवर टू, जबकि वो कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो है ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन ओवर ए रेज टू एन माइनस वन प्लस बी रेज टू एन माइनस वन। अगर ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी और ये भी अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ये इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टू जाके मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से और ए प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे इनसे। अब ये जो ए है ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, जब ए वाली वैल्यू ए के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर वन जब ऐड करेंगे ए रेज टू एन बच जाएगा, और ए को जब बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे ए वैसे लिखा जाएगा। इस तरह बी जब मल्टीप्लाई होगा ए रेज टू एन माइनस वन से, बी वैसे ए रेज टू एन माइनस वन भी वैसे, लेकिन जब बी वाली वैल्यू बी से मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर वन इसमें ऐड होगी जिससे इसका माइनस वन ख़त्म हो जाएगा, और ये दो जो है कांस्टेंट है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए रेज टू एन ये भी है, 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 ये दोनों प्लस वाले ए रेज टू एन और बी रेज टू एन ये वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, जिससे इनकी वैल्यू एक है इसकी वैल्यू भी एक है, ये दोनों जो होंगे इन दोनों में से माइनस कर देंगे जिससे बनेगा ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन। अब इनकी अरेंजमेंट करेंगे, ए की पावर एन वाले एक साइड पे, बी की पावर एन वाले एक साइड पे कर देंगे, मतलब बी ए रेज टू एन माइनस वन वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा और बी रेज टू एन यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब ये है, ये बी रेज टू एन है, ये बी रेज टू एन माइनस वन है, ये बड़ी पावर है ये छोटी पावर है, हम क्या करेंगे इस बड़ी पावर में से अगर माइनस वन लिखूंगा तो मुझे जवाब में प्लस वन भी लिखना पड़ेगा, इस तरह की फॉर्मेशन बनाने के लिए। बड़ी में से हम छोटी चीज़ बना सकते हैं, छोटी में से बड़ी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ए की पावर एन है जो उसको लिखेंगे ए की पावर एन माइनस वन और साथ में ए को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन से प्लस वन ख़त्म हो जाता है जैसे अभी ऊपर किया था, लेकिन ऐसा करने से हमारे सवाल की जो कंडीशन है वो जल्दी फुलफिल हो जाएगी। ये वैसे अब इन दोनों में से बी रेज टू एन माइनस वन जो है वो कॉमन आता है, यहाँ से ए बच जाएगा यहाँ से बी बच जाएगा, इसी तरह इन दोनों में से ए रेज टू एन माइनस वन कॉमन आता है, यहाँ से ए बच जाएगा यहाँ से माइनस का बी, ये दोनों फैक्टर दोनों साइड पे सेम है ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ से बी रेज टू एन माइनस वन और यहाँ से ए रेज टू एन माइनस वन बच जाएगा। इसके साथ जो मल्टीपल है वो वन है, यहाँ मल्टीपल और इधर आ गई ये
ए को डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा ए ओवर बी, बी रेस टू ए ओवर बी होल रेस टू एन माइनस वन। वन की जगह जैसे एक्स की पावर जीरो हो तो वो वन होता है, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ भी ऐसा लिखेंगे ए ओवर बी की पावर ज़ीरो। ऐसे लिखने से क्या होगा, इनकी बेस सेम हो जाएंगी और फिर वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल हैं, उनकी बेस इक्वल है, तो पावर भी इक्वल मानी जाएंगी। इसी तरह अगर दो नंबर इक्वल हों, उनकी पावर्स इक्वल हों, तो बेस इक्वल मानी जाती है। तो इस हिसाब से हमने इस पर क्या किया, बेस सेम बनाने के लिए इस वन की जगह ए ओवर बी की पावर ज़ीरो लिख दिया। अब क्योंकि बेस सेम है, लिहाजा हम एन माइनस वन को ज़ीरो के बराबर लिखकर एन की वैल्यू वन निकालेंगे। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि यहाँ अरिथमेटिक मीन के अंदर इसमें एन की वैल्यू जो होती है वो वन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जिसकी स्टेटमेंट है शो दैट द सम ऑफ द nth n अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू n टाइम देयर अरिथमेटिक मीन। पीछे हमने क्वेश्चन किए थे कि दो नंबर के दरमियान छः अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है, दो मालूम करनी है, छः मालूम करनी है, वो था। इसमें भी ऐसा ही है, वहाँ पे उसने तादाद बता दी थी, यहाँ उसने तादाद जो बताई है वो n बताई है, तादाद बताई है लेकिन n फिक्स नहीं है। हमने इसकी जनरल टर्म बनानी है, वो a और b के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है उसका n मल्टीपल होता है, ये हमने बताना है। अरिथमेटिक मीन जो होता है सिंपल ना, वो होता है a प्लस बी ओवर टू। अगर इसके साथ यहाँ n लगा दिया जाए तो इधर भी ऐसे हो जाएगा n ओवर टू ए प्लस बी, यानी कि पहली और आखिरी टर्म। हमने कुछ इसी तरह की टर्म जनरेट करनी है। हम कहते हैं कि ए वन से लेकर ए एन तक हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, जैसे हम लोगों ने सात किए थे, यहाँ पे एन तक है। अगर ये पहले टर्म्स और ये आखिरी टर्म लिख दी जाए तो आप इसमें देखें कि ए वन से लेकर एन तक जो टर्म्स थी वो ए और बी के दरमियान में आ जाएंगी। अगर ये पहले तादाद एन थी, अब दो और टर्म्स आ गए हैं तो एन की तादाद एन प्लस टू हो गई है। पहले टर्म जो है वो ए है और आखिरी टर्म, यानी कि हम लोग आखिरी टर्म को ए एंथ कहते हैं, लेकिन ए एंथ में ए एन शामिल है, हम यहाँ लिखेंगे ए एन प्लस टू टर्म, क्योंकि ए एंथ टर्म तो ये थी अरिथमेटिक मीन, हमने दो जमा किए इसलिए एन प्लस टू लिखा गया, तो आखिरी टर्म ये है। हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है जनरल टर्म के लिए, ए एंथ के लिए ए वन प्लस एन माइनस वन और डी होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास एंथ टर्म नहीं है, ये हमारे पास एन प्लस टू टर्म थे, इसलिए एन की जगह इसमें इसी फार्मूले में एन की जगह टू लिखने से यह आ जाएगा एन प्लस वन और डी, और ए एन प्लस टू जो टर्म का नाम है वो है बी, और ए वन की वैल्यू बी, ए वन ही है वो लिखने या ए लिखने आपकी मर्जी है। ए वन यहाँ के माइनस हो जाएगा और एन प्लस वन वन जाके डिवाइड, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से देखें, ये पहले टर्म्स हैं, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इस तरह ये करते करते ये nth टर्म्स है। अगर मैं पहली टर्म्स की बात करूँ, मतलब ये वाली, इसका मतलब है यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, ये लिखा जाएगा a1 वन प्लस टी। इसी तरह अगर मैं इस वाले टर्म से की बात करूँ तो ये आखिरी टर्म से एक कम है, यानी कि उसमें आखिरी टर्म थी n प्लस टू थी, ये कौन से नंबर पर है, ये एन प्लस वन नंबर पर है, तो इसलिए n की जगह n प्लस वन लिखेंगे, और प्लस वन से माइनस वन ख़त्म, यानी कि ए n की जगह आ जाएगा ए वन प्लस एन टी। हमारे पास जो सम ऑफ सीक्वेंस का एक फार्मूला होता है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम देखेंगे, अगर हमारे पास टर्म्स हों वो लिमिटिंग हों तो उसके लिए हम सम ऑफ सीरीज निकालने का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, n ओवर टू पहले टर्म्स और आखिरी टर्म। अगर इस सीक्वेंस को देखें तो इसकी पहले टर्म्स ए वन है और इस आखिरी टर्म इसका नाम है वो ए एन है। ए वन की जगह हम लोग यही ए वन प्लस डी पुट करेंगे और ए एन की जगह ए वन प्लस एन डी पुट करेंगे, एन ओवर टू। वैसे ए वन और ए वन आपस में ऐड हो जाएंगे, ये डी है ये एन डी है, इन दोनों में से अगर डी कॉमन लें तो एन प्लस वन और डी, जबकि हमने पहले से ही डी की वैल्यू निकाली हुई है। बी माइनस ए वन यानी कि या ए भी लिख सकते हैं एन प्लस वन, तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा,
ये खत्म, यहाँ से क्या हो जाएगा बी माइनस से ए वन, ए वन में से एक ए वन कैंसिल कर दें यानी कि माइनस कर दें तो बाकी ए वन बच जाएगा। इस ए वन की जगह हम ए भी लिख सकते हैं। अगर ये एन के नीचे जो दो लिखा मैं इसकी जगह लिख दूँ तो ए प्लस बी ओवर टू ये अर्थमेटिक मीन को ज़ाहिर करता है। तो अगर एन को छोड़कर ये लिखते हैं एन प्लस ए प्लस बी ओवर टू ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो ये साबित हो गया कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो वन ए एंड तक, ए एंड तक जो टर्म्स हैं वो बराबर हैं एंथ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये सवाल की हमारे पर रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल पेपर के हवाले से, इन्हीं एक्सरसाइज के हवाले से। अगर कोई और क्वेश्चन पूछना कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।